आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत के वे 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 रोड बनाए जा रहे हैं, एक्सप्रेस रोड बनने के उत्ते पूरा ध्यान दिता जा रहा है, क्योंकि मिडल ईस्ट के नाल व्यापार को खोलना है आने वाले समय के। हम जो WTO है या फिर वर्ल्ड दी होर भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, वे वे व्यापारक पद्धर के उत्ते काम करने वाले लोग ने, यद झुका आने वाले समय के इस पास होने वाला है। जेड़ा व्यापार समुद्र रस्ते राही हों उन्हें करने लिए काफी दिन लग जाते हैं, पर जो आप जो ये सारा समान इस रूट थानी जाऊगा तो वह कुछ ही दिनों तक उन्होंने तक पहुँच जाएगा। एक तो समा बचता है, दूसरा लागत बहुत घट लगती है, तो तीसरा समान भी बहुत घट खराब होंदा है। जिवें पहले समय में व्यापार चलता से उत्तर भारत के, उत्तर भारत तो लैके रोम तक यह व्यापार उसी तरह हुण भी चलूगा। बहुत साल पहला कह लो कि ईसा टाइम तो 3000 साल पहला एक रोट होंदा सी जिन्हों की सिल्क रूट कहा जाता है, जो कि उत्तर भारत तो होंदा होया, चीन तो होंदा होया, ईरान इराक तो होंदा होया, रोम तक जाता सी। 6000 किलोमीटर लंबा रूट सगा जिदे जरिए वड्डा व्यापार किया जाता है। उस रूट की सेम टू सेम नकल तैयार करने लिए अज का कारपोरेट वे पिछे लगा हुआ। अज की वीडियो के आप सिल्क रूट के उत्ते गल करांगे कि वह सिल्क रूट किवें तैयार होया तो उहदा की कश काम सी। जेकर पुरातन समय की गल करिए जो रेशम की खोज सी वह चीन दे विच कीती गई सी, चीन तो रेशम का कपड़ा बनने की खोज हुई सी। वह जिहड़ा सिल्क सी वह चमकीला सीगा, उस धागे के जरिए जिहड़ा कपड़ा तैयार किया जाता सी वह बड़ा मुलायम हुंदा सी, इस करके इहनूं बड़ा ही बेशकीमती कपड़ा मनिया जाण लगा। तो जदों इहदा व्यापारीकरण किया गया तो यह बहुत ही ज्यादा महंगा विकिया। यह गल तो कन्फर्म है कि जिहड़ा सिल्क सीगा वह चीन दे विचों ही तैयार किया गया सी। हालांकि इस कहानी दे लई दंत कथा कहिंदे ने, पर इस गल की कन्फर्मेशन हैगी है कि यह कपड़ा चीन दे विच ही पहली बार तैयार किया गया सी। सो रेशम बनाने की जिहड़ी तकनीक सी यह सिर्फ चाइना दे कोल सी, चाइना तो रेशम उत्तर भारत वाल आउंदा सी, इत्थों फिर ईरान इराक तो हुंदे होए यह सारा कपड़ा रोम तक जाता सीगा। यह जिहड़ा एक रोड मैप सीगा, जिहड़ा एक रस्ता सीगा, इहनूं सिल्क रूट भी कहा जाण लगा, क्योंकि इहदे तों बहुता जिहड़ा व्यापार सीगा वह सिल्क का हुंदा सीगा, ते सिल्क उस वेले का सब तो महंगा पदार्थ सीगा। एक समय के उत्ते आके रोम का जिहड़ा सम्राट सीगा उहने इसकी खरीदी के उत्ते बैन लगा दिता सीगा, क्योंकि रोम का जिहड़ा सोने का भंडार सीगा वह सारा विदेशों वाल जाई जा रहा सी। लोगों ने इस कदर की खरीदी करनी चालू कर दी सीगी, ते 2000 साल तक चाइना ने इस तकनीक ने अपने कोल ही लुको के रखा ताकि होर कोई इस रेशम के कीड़े ना पाल सके ते रेशम ना तैयार कर सके। हालांकि इस रूट राही कला रेशम का नहीं बल्कि होर भी कई चीजा का व्यापार किया जाता है, इतों तक कि घोड़िया का, मसालों का, होर भी कई चीजा का व्यापार किया जाता है। 140 BC पहला फिर यह जो रेशम बनाने की तकनीक है यह फिर कोरिया ने सीखी, फिर उस तो बाद भारत के आई, फिर उस तो बाद भारत के भी रेशम को तैयार किया जान लगा। सिल्क रूट की जी कुल लंबाई दसी जाती है 6500 किलोमीटर सी, यह मनुखी इतिहास का उस टाइम का सब तो व्डा रूट मनिया जाता सगा। यह नहीं कि इस रस्ते राही कला व्यापार ही होया, इस रस्ते राही बीमारियों का आदान व्यापार भी बड़ा होया, जिवें कि उस समय प्लेग की बीमारी जो दोवा महाद्वीपां दे विच आपस दे विच हुई सी, ते वी कहिंदे ने कि 3 सालां दे विच 2.5 करोड़ बंदे दी जान गई सी। इह जो बीमारी सीगी इह वी सिल्क रूट राही ही इधर तों उधर गई सी, ते इहदे नाल नाल कई धर्म जिवें बुद्ध धर्म जो भारत दे विच बाहर गया, ते उधरों ईसाई धर्म ते मुस्लिम धर्म इधर वल आया, ते तकरीबन 3.5 या 4 साल तक इह सिल्क रूट अपने पूरे पीक दे उत्ते रहा, ते वर्ल्ड दे विच सब तों वड्डा ट्रेड दा सेंटर बनिया रहा। इस रूट दे विच जिहड़े जिहड़े स्थान आंदे सीगे जिवें अज दा लंडन ते न्यूयॉर्क है, ते जिवें बल्क बुखारा आउंदा सीगा उस टाइम इस रूट दे विच। हुण जे इहदे पतन की गल करिए ते कहिंदे ने कि मध्य एशिया दे विच मंगोलां दा राज सी उस समय, मंगोल अपनी क्रूरता वास्ते जाने जांदे सीगे, बड़े ही जालम टाइम बंदे सीगे ओह, पर इहदे नाल नाल उहनां नूं व्यापार दी भी पूरी समझ सीगी। इहनां ने उस समय तक उस रूट नूं सेफ रखिया, अगे जा के मंगोलां दा पतन होना शुरू होया ते लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, ते इस रूट दे उत्ते भी चोरियां डाकू होने शुरू हो गए। जिहड़ा इह रूट फिर व्यापारियां ने अनसेफ डिकलेयर कर दिता। बिजनेस दा इह रूल मन्निया जांदा है कि जिथे अहिंसा होवे, जिथे मार धाड होवे, जिथे अशांति होवे, उस जगह ते बिजनेस जीरो हो जाता है। दूजा सब तो वड्डा कारण सिल्क रूट के खत्म होने का यह दसया जाता है। उस समय तक रोम दे विच कपाह की खेती शुरू हो गई सी, कपाह तो बनया होया कपड़ा लोग उत्थे खरीदते सी, जो कि रेशम का सब तो वड्डा अल्टरनेटिव सी, क्योंकि जिहड़ा कपाह का कपड़ा सी एज कंपेयर टू रेशम काफ़ी ज़्यादा सस्ता सी, लंबे समय तक चलन वाला भी सी। फिर इस तो बाद जिहड़ा अगला कारण मनिया जाता है कि इन्ने समय के ही वास्को डी गामा भी आ गया सी, उन्हें एक नवा समुद्री रस्ता लभ दिता सी, जो कि समुद्र रस्ते थानी हो के व्यापारियों वास्ते एक सेफ रस्ता मनिया जाता है। उस तो बाद कोलंबस आ गया जिन्हें उन्होंने एक होर रस्ता दे दिता, व्यापारियों को अल्टरनेटिव रूट बहुत ज्यादा आ गए थे, इस करके सिल्क रूट को बंद करना पड़ा। पहला व्यापारियों का सारा ध्यान सिल्क रूट वाल होता है, पर बाद विच समुद्री रस्ते राही ट्रेड होना शुरू हो गया। इस तरह यह जो सिल्क रूट सगा जो अपने समय के पूरा पीक के उत्ते चल रहा है, तो फिर यह उस टाइम हौली हौली खत्म ही हो गया। पर अज के टाइम जो गल करिए सिल्क रूट दोबारा तो खोलिया जा रहा है। अज का जो कारपोरेट सैक्टर है वह जो एक नवा सिल्क रूट तैयार कर रहा है, जिन्हिया भी सड़क तैयार हो रही ने पंजाब के
ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਰਾਨ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਮ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ।